विदित है कि आज देश किस दौर से गुजर रहा है, और इसका ताजा उदाहरण आपने कल देखा है कि कांग्रेस के जो खाते सीज किए गए उनमें से 115 करोड़ रुपए खुद ही निकाल लिए गए। और चलते चुनाव के अंदर, क्योंकि एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं 400 पार की और दूसरी तरफ इनकी पार बढ़ नहीं रही है, पूरे देश के अंदर इनकी हालत खराब है, इनके मौजूदा सांसद पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है, दो लोग पूरी पार्टी चला रहे हैं और दो लोगों के लिए पूरा देश कुर्बान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया जो है लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ है, और मीडिया ने हमेशा, चाहे अफसरशाही हो, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे सरकार, तीनों ही लोगों पे हमेशा चूड़ी टाइट आप लोग ही करते हैं, और ये तीनों ही जो है आप लोगों से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मीडिया के माध्यम से सारी जो सच्चाई है वो जनता के बीच में जाती, कोई भी गलत काम करता है उसके अंदर ये डर, ये भय रहता है कि कहीं अखबार में नहीं आ जाए, टीवी में नहीं आ जाए। तो आज अखबार और टीवी चुप क्यों है? किस प्रकार से सरकारों को गिराने की साजिश की जाती है? चुनी हुई सरकारों के विधायक इस्तीफा देते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, फिर बीजेपी की सरकार बना देते हैं। किस प्रकार से विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उन पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डालते हैं, और मौजूदा मुख्यमंत्री, एक महीने पहले हेमंत सोरेन को इन लोगों ने अरेस्ट किया, कल इन्होंने केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, और दिल्ली के अंदर तो अति हो गई है, 20 से ज्यादा इनके विधायक मंत्री जेल जाके आ चुके हैं, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, झूठे केस किए जाते हैं, उसके बाद अंदर अरेस्ट कर दिया जाता है। तो ये बात अगर आज मीडिया चुप रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। और आप मत बोलो, आप बोलते नहीं है, लेकिन जो दुनिया की प्रेस की रैंकिंग है वो बोल रही है कि हिंदुस्तान के अंदर प्रेस की आजादी छिनती जा रही है। आप मत बोलो, आप तो नहीं कहेंगे, हम कई बार कहते हैं तो उल्टी बहस हो जाती है, लेकिन जो दुनिया का जो पैमाना है उसमें हिंदुस्तान की प्रेस की आजादी छिन गई है, ये वो लोग कह रहे हैं। या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की जो बात की गहलोत साहब ने, बहुत से ऐसे आपके पत्रकार साथी हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, चाहे मीडिया को छोड़ना पड़ा हो, आज पब्लिक के बीच में जाके अपना खुद का ब्लॉग चलाते हैं, खुद का चैनल चलाते हैं, क्या मजबूरी होगी? और ऐसा नहीं है, कई मीडिया हाउस ने विरोध भी किया है, उनपे भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़े हैं, चैनल तक को बंद किया गया है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, देश किस दिशा की ओर जा रहा है। ये किसी अकेले एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक अकेली पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये इस पूरे देश की जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है, जिसमें मीडिया भी आता है, राजनीतिक पार्टियां भी आती है, और इस देश का आमजन भी आता है, युवा भी आता है, गरीब भी आता है, किसान भी आता है। आज कितना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, मीडिया ने हवा निकाल दी उसकी, कोई मीडिया पे खबर ही नहीं आई उस किसान पे जिसने इस देश का पेट भरा है, हम सब लोगों का पेट भरा है, उस किसान जो अन्न उगाता है और उसके रास्ते के अंदर कील बिछा रहे हैं, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, किसी ने बात तक नहीं रखी। आज इन हालातों के अंदर अगर हम देश के अंदर किस प्रकार से हमारे आने वाली पीढ़ी को हम मैसेज देके जा रहे हैं, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आज जो स्थिति देश के अंदर है, किस प्रकार से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, कोई ताकतवर है उसको कमजोर करने की साजिश की जाती है, चलते चुनाव के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, पहले चरण का चुनाव का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, आप हमारे खाते सील कर रहे हैं, किस प्रकार से हम कैंडिडेटों की मदद करेंगे, किस प्रकार से उनका प्रचार प्रसार करेंगे, ये सारी चीजें दिख रही नहीं है। तो देश के अंदर जो आपातकाल की स्थिति इन लोगों ने पैदा की है, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ये बात जनता तक जाए, आम जन तक जाए कि किस प्रकार की साजिशें हो रही, और क्या सारे जो लोग हैं भ्रष्टाचार का, जिनको आप कह रहे हो कि लोगों ने भ्रष्टाचार किए,
वो सारे दूसरी पार्टियों के लोग हैं। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेताओं को, विपक्षी नेताओं को आप लोगों ने जेल के अंदर डाल दिए। जो आपके खिलाफ बोलते हैं उसको आप अंदर डाल देते हैं, उसमें मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो ये क्या है? इस देश के अंदर ये डेमोक्रेसी है? आप इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। दुनिया के अंदर इस देश की पहचान डेमोक्रेसी की वजह से थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां भी लोकतंत्र है। सबसे बड़ी आबादी के बाद में भी आज यहां पे लोकतंत्र, प्रजातंत्र कायम है। यहां छोटे में बड़े में भेद नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है। इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। आज उस संविधान को खत्म करने की बात कहते हैं इनके सांसद, कह रहे कि 400 पार लेके आओ हम संविधान को बदलेंगे। इस प्रकार की लोगों की मंशा है और ये संविधान को बदल के फायदा पहुंचाएंगे 1% लोगों को और 99% लोग इन मुसीबतों का सामना करेंगे। और उस 99% में आप भी हैं, हम भी हैं, पूरा देश है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, मीडिया हमारी मदद करे, हमारे लिए इस देश की मदद करे। इस देश को आगे किस प्रकार से हम लेके जाएंगे, देश के अंदर प्रजातंत्र कैसे कायम रहेगा, डेमोक्रेसी कैसे रहेगी, इस चीज के अंदर आप लोग